नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश, और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिंधी समाज के लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु से की मुलाकात। और सीएम शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2017 में वितरित अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 27 अप्रैल कर दी गई है। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2017-18 में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की वर्तमान योजना के तहत सरकारी बैंकों के लिए बेस रेट पहले की ही भांति 11% यथावत रखने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीआई रजिस्ट्री द्वारा बासमती चावल के जीआई टैग के संबंध में लिए गए निर्णय के विरोध में शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और वस्तु स्थिति से अवगत कराया। गौरतलब है कि मार्च 2018 को एपेडा द्वारा बासमती जीआई के संबंध में दिए गए तथ्यों के आधार पर जीआई रजिस्ट्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मध्य प्रदेश में बोए गए धान से उत्पन्न चावल बासमती नहीं कहलाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में सिंधी समाज के 28 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये लोग बरसों से विस्थापित के रूप में प्रदेश में रह रहे थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में इन सभी विस्थापितों का स्वागत करते हुए कहा कि अब वे मान सम्मान से रहें, खुद आगे बढ़ें और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रदेश में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही भावांतर भुगतान योजना के बारे में विस्तार से बताया। इको पर्यटन विकास बोर्ड अगले वर्ष 27,45,00,000 रुपए की लागत से प्रदेश में 61 मनोरंजन और वन्य प्राणी अनुभव क्षेत्र का विकास करेगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए की लागत से पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में इको पर्यटन विकास होगा। इनमें 1,70,00,000 के कार्य जारी हैं। इससे पर्यटन प्रेमियों को नई सुविधा संपन्न मनोरंजन क्षेत्र मिलेंगे। ये जानकारी आज वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार की अध्यक्षता में हुई इको पर्यटन विकास बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में दी गई। इस ब्रीटिंग फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।